او سبحان بالله منشتانو دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سټوڈنټس आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ई एन जी फाइव सिक्सटीन के करंट पेपर्स जो कि स्प्रिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के करंट पेपर्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर की मैं कि उनका पेपर कहाँ से आया था तो ये सारे पेपर्स देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ई एन जी फाइव सिक्सटीन की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए आई मीन टू से कि आपको हैंड आउट्स रीड करने की ज़रूरत है या जस्ट फाइल इनअ होंगी तो पहले हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर इन हम इनके आंसर्स की तरफ भी आएंगे कि आपको कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कुछ आंसर्स मैं आपके साथ एक फाइल में शेयर भी करूँगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर आपके साथ शेयर भी कर दूंगी ताकि आपको उनके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएँ तो अगर आप चैनल पर न्यू अरब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो शुरू करते हैं जी फर्स्ट स्टूडेंट का जो हमारे पास पेपर है इनका कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीटली हैंड आउट से आया था और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनमें फर्स्ट क्वेश्चन था इनका हाउ फ्लुएंसी इज अचीव्ड व्हाट आर फ्रेमवर्क्स सी एल टी टी बी एल एब्रीवेशन थी लॉन्ग क्वेश्चन थे डिफरेंस बिटवीन राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन क्राइटेरिया फॉर कोर्स बुक डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग अच्छा ये जो एब्रीवेशन है ना सी एल टी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और टी बी एल टास्क बेस्ड लर्निंग आगे आ जाइए हमारे पास इनका कहना है कि जो एम सी क्यूज थे वो तमाम हैंड आउट से आए हुए थे जस्ट फोर एम सी क्यूज थे वो फाइल से थे और इनके पास क्वेश्चन में थे इन लिस्ट फाइव थ्रेड ऑफ ग्रेड स्मॉल टॉक लर्नर नीड एनालिसिस सिलेबस इज नैगोशिएटेड डोमिनट ट्रेंड्स ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वॉर आगे कॉरस्पोंड का पेपर है इनके मुताबिक भी जो एम सी क्यूज थे अच्छा इनके एम सी क्यूज फाइल्स से आए हुए थे और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनमें थे एलिमेंट्स ऑफ सी वी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग इन एक्डेमिक और लॉन्ग में था डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है इनके मुताबिक जो एम सी क्यूज थे वो हैंड आउट्स में से आए हुए थे शॉर्ट क्वेश्चन थे डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड मॉड्यूल सिलेबस डिज़ाइन की मैनेजमेंट इशूज़ कारपोरेट कल्चर आस्किंग क्वेश्चन बिफोर प्रेजेंटेशन स्टिमुलस एक्टिविटीज इन ऑथेंटिक मटीरियल और इनका कहना है कि आपको हैंड आउट प्रिपेयर करने चाहिए आगे एक और स्टूडेंट का पेपर है इन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं ये रिपीट हो रहे हैं हैंस्ट फाइव थर्ड ऑफ ग्रेट स्मॉल टॉक लर्नर नीड एनालिसिस और वेन सिलेबस इज नगोशिएटेड डोमिनट वर्ल्ड वॉर अच्छा आगे एक और स्टूडेंट का पेपर है इनका कहना है कि जो फाइव टू सेवन एम्स क्यूज़ थे वो जस्ट फाइल से आए थे बाकी सारे हैंड आउट्स से आए थे तो इन सारे पेपर्स को देखने के बाद हमें ये तो आइडिया हो गया है कि एम सी क्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए हमें हैंड आउट्स को मस्ट रीड करना है क्योंकि फाइल से बहुत कम एम क्यूज़ आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन थे इनके राइट एक््रोनेम ऑफ सी ई एफ ए सी टी एफ एल राइट बेसिक मॉडल ऑफ लर्निंग थ्री टेक्निक्स फॉर टीचिंग राइटिंग स्किल और लॉन्ग क्वेश्चन में इनके क्वेश्चन आए हुए थे टीचिंग एंड ट्रेनिंग राइट फाइव टू सिक्स लाइन्स अबाउट टी बी एल यानी कि टास्क बेस्ड लर्निंग आगे एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है इनका ये कहना है कि एट टू टेन जो थे एट टू टैन इन्होंने ऑलमोस्ट फाइल रेडी की थी और जिसमें टोटली फाइव टू सेवन एम्स क्यूज फाइल से थे बाकी आल इनके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो हैंड आउट से आया था और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें था टीचर एज कंसल्टेंट लर्नर रिक्वायरमेंट्स फीडबैक फ्लूंसी एंड एक्यूरेसी आगे हमारे पास एक और स्टूडेंट का पेपर है जिनका ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव जो था वो हैंड आउट से आया था और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन थे डेलीगेशन मेटाकॉगनेटिव स्ट्रैटीज सम्प्लीमेंट्री मटेरियल्स ग्रेड और फ्रेमवर्क वो से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे और कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक तो आइए हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने इकट्ठे यहाँ पे कंबाइन किए हैं मिक्स होंगे बट इनश्ला आपको ऑल क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कॉरपोरेट कल्चर वाला जो क्वेश्चन था उसका हम आंसर लिखेंगे Organization or corporate uh, corporate culture describe the specific behavior and values from uh, found in organization. So, for example, a young company with twenty employees which sells groceries via the internet is likely to have very difficult, very different way doing things compared to an older, more traditional engineering company which has been existence for over hundred years and which has more than. Uh, थ्री लाख एम्प्लॉयज़ करटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अब इनका ये कहना है कि जो कॉरपोरेट uh, कल्चर का डिफरेंस है वो हम इस तरह से देखेंगे कि एक न्यू कंपनी uh, है जिसमें तकरीबन ट्वेंटी एम्प्लॉयज़ हैं और वो ग्रोसरी सेल करती है ऑनलाइन उस कंपनी का कल्चर और एक जो हंड्रेड ईयर से इस्टेबलिश्ड कंपनी है और जिसमें थ्री लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उसका जो कल्चर है और uh, इनका जो कल्चर है वो आपस में और ये इंजीनियरिंग कंपनी है वो आपस में डिफरेंट होगा उनका जो कॉरपोरेट कल्चर है उनका जो एक एक जो उनका मार्केटिंग का अंदाज़ है वो सारा डिफरेंट होगा आगे हमारे पास क्वेश्चन था अबाउट सिलेबस डिज़ाइन तो इसके लिए हम लिखेंगे अच्छा साथ साथ आप इसके पेज नंबर नोट कर लें जैसे कि ऊपर वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो इसका पेज नंबर है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन में इसका आंसर है तो अगर आपको यहाँ से ब्लर लग रहा है नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपनी हैंड आउट्स ओपन करके भी आंसर देख सकते हैं ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए जो बिल्कुल हैंड आउट्स को टच ही नहीं करती है। या लास्ट डे उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि पेपर कहाँ से आना है और लास्ट डे वो बस क्विक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो इनाफ होगी अगर वो इन क्वेश्चन को और आंसर को देख लेते हैं चलिए जी सिलेबस डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं वंस द एम एंड ऑब्जेक्टिव आर एस्टैब्लिश द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन लर्निंग प्लान और कोर्स सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट विच सेज वर्ड शूड एंड विल बी लर्न सलेबस हमें यह बता रहा होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें यह बताता है कि क्या लर्न करना चाहिए और क्या लर्न करेंगे हम वंस वी नो वट वी वॉन्ट टू कोर्स टू अचीव यानी हम अपने कोर्स में क्या अचीव करना चाहते हैं वी कैन मूव ऑन थिंकिंग अबाउट द सिलेबस वाई डू वी नीड सिलेबस अब सिलेबस की हमें ज़रूरत क्यों होती है इसके क्या एडवांटेजेज़ हैं वन वी सीज़ दैट द डिसडवानटेज ऑफ सिलेबस इज़ दैट इट कर्ब्स द क्रिएटिविटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट इसके मतलब एक जिसका डिसएडवानटेज है वो ये कहा जाता है कि यह हमारी क्रिएटिविटी को कम कर देता है क्योंकि आ, मतलब कि सारा कुछ हमारे पास पहले से प्लानिंग होती है तो हम कुछ क्रिएटिस् कुछ प्लानिंग्स नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जो हमारे पास सलेबस प्लान होना है उसकी उसी के मुताबिक हमने अपना वर्क जो है वो डन करना होता है The disadvantages uh, uh, outweigh the advantages. Some important content might be left, may result in significant gaps, let alone the prohibited amount of work for the teacher. लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स वी नीड टू ब्रेक इट डाउन इन टू मीनिंगल यूनिट्स अब लैंग्वेज है उसको लर्न करना एक कम्पलेक्स टास्क है तो उसको लर्न करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है उसको मैनेजेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है तो इसके लिए हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं आप इसको खुद एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा वैसे कि इतना वो मुश्किल नहीं है सिलेबस प्रोवाइड्स क्राइटेरियन फॉर मटीरियल सेलेक्शन डिफाइनिंग द कांडस ऑफ टेक्स टू तो लुक फॉर एन टाइप ऑफ मटीरियल टू डिवेलप तो इसको अपना अगर ये शॉट में आते हैं थ्री मार्क्स का क्वेश्चन तो आप इसको बुलेट्स लगा के लिख सकते हैं कि हमें सारी वो प्लानिंग हो जाती है मटीरियल

एक कोर्स बुक्स के अंदर सिलेबस को ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिनको यूनिट्स कहते हैं इसके बरअस जो मॉड्यूल्स होते हैं कॉन्ट्रास्ट आर नॉर्मली इंडिपेंडेंट ब्लॉक विच कैन बी पुट टुगेदर इन वेरियस वेज टू क्रिएट कोर्सेज ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स होते हैं जिनको इकट्ठे पुट किया जाता है कोर्स डिज़ाइन करने के लिए क्रिएट करने के लिए मैनी स्कूल्स एंड टीचर्स हैव रेडी टू गो मॉड्यूल्स वॉन् स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स दट टीचर सिंपली हैज़ टू सेलेक्ट द रेलमेंट मॉड्यूल्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप मॉड्यूल आप इस तरह कह सकते हैं कि एक चैप्टर भी होता है आप चैप्टर को भी मॉड्यूल कह सकते हैं आगे ये यूनिट की इसमें मैंने हाई की हुई थी वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं डेफिनेशन आगे हमारे पास है यूजिंग अ ग्रेड तो ग्रेड होती क्या है पहले हम ये देख लेते हैं अ यूजफुल टेक्निक इज़ टू यूज़ अ ग्रेड टू फ्रेम वर्क एंड मेकिंग अ सलेबस ये सलेबस डिज़ाइन करने के लिए एक टेक्निक होती है अ ग्रेड और अ फ्रेम सेट्स आउट द एम एंड ऑबजेक्टिव यह एम्स और ऑबजेक्टिव सेटकारी होती है फॉलोड बाई आल द एलिमेंट दैट यू बिलीव आर नेसेसरी फॉर समू बी एबल टू मीट दोटिव द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रेम वर्क आज बेस्ड ऑन कम्पीटेंसीज आइडेंटिफाइज एज लिंग्विस्टिकस डिस्कोर्स कम्पीटेंस डिस्कोर्स लर्नर विल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड इंटरकल्चरल कम्पीटेंस तो, तो आप अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप इसको इसको बुलेट लगा के भी लिख सकते हैं कि एक टेक्निक होती है जो कि सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है और ये कम्पिटेंसी को बेसिकली डिस्क्राइब कर रही होती है कम्पीटेंसीज कौन कौन सी होती है लिंग्विस्टिक कम्पीटेंस इसको कम्पीटेंस हैं इंटरकल्चरल कम्पीटेंस तो इस तरह भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये एक अच्छा वे होता है बुलेट्स लगा के जस्ट उसके मेन पॉइंट्स को लिख देना आगे हमारे पास था स्मॉल टाक के बारे में स्मॉल टाक इज़ अ सिंपल थ्रो वे Line we might offer when we meet someone in the corridor or we uh, seemingly banal uh, discussion about the weather such so as conversation, polite exchange might be uh, vitally important to the business English learner who needs to build good business relationship but not much and known about the work. Achha. ये बिज़नेस इंग्लिश जो टीचिंग होती है उसमें अहम रोल प्ले कर रही होती है और ये शॉर्ट मतलब सेंटेंसेस होते हैं फ्रेजेस होते हैं जैसे आप किसी से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आपने उससे कम्युनिकेट करना है आपने उससे कन्वर्सेशन करनी है मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ जैसा हम लोग अब एग्ज़ाम हॉल में हैं और हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट फ़र्ज करें अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी टाइम है तो हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है हम उसको नहीं जानते हैं तो हम उससे अगर uh, हम बोर हो रहे हैं हम उससे बात करना चाहते हैं तो हम क्या बात करेंगे आपका सेमेस्टर कौन सा है या आपका आज कौन सा पेपर है इस तरह से या आप कैसी प्रिपरेशन है तो ये एक स्मॉल टॉक जो होती है आ, इसको कहते हैं ये एक जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको आप कह सकते हैं स्मॉल टॉक अगर आप किसी गली में जाते हुए किसी से मिलते हैं तो आप ये पूछ सकते है कहां हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या कहीं किसी बस का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है या कितने बजे वाली बस पे जाना है या वैसे अगर बस पे बैठे हुए आप साथ किसी बंदी से पूछ सकते हैं कि मौसम के बारे में कि कितना अच्छा मौसम है या कितनी ज़्यादा गर्मी है या आज तो बहुत सर्दी है बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इस तरह की जो टॉक होती हैं इसको कहते हैं स्मॉल टॉक मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दी हैं यो आपको समझ आ गया होगा आगे जी आ... ये डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वार के कुछ डोमिनेटेड ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीट भी हो रहा था यहाँ पे उन्होंने इसके कुछ ट्रेंड्स बताए हुए हैं पोस्ट वर्ल्ड वार टू वर्ल्ड हैज़ बीन डोमिनेटेड बाई टू ट्रेंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन से दो ट्रेंड थे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी विच जनरेटेड द डिमांड फॉर यूनिफाइंग लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स और इन्होंने किस चीज़ को यानी किस चीज़ की अहमियत को उजागर किया यूनिफाइंग लैंग्वेज को वन बींग द पावर ऑफ़ द यू एस ए दिस रोल फेल टू इंग्लिश अब यू एस ए जो है वो एक पावर में आ गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो ऑबियसली जो यू एस की लैंग्वेज थी उसको भी ज़्यादा प्रेस्टीज मिली तो इंग्लिश जो है वो एक डोमिनेट लैंग्वेज उस वक्त बन गई एज इंग्लिश बिकेम द एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लैंग्वेज नॉन एटिव वर्कर एंड स्टूडेंट्स नीडेड फंक्शनल एंड एक्डामिकपजसेज resulted इन द massive अच्छा इसमें आप ये बस टेक्नोलॉजी और ये कॉमर्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं ये दो डोमिनेटेड ट्रेंड थे और इसके अलावा अगर आप मजीद इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये पेज नंबर टेन है आप इसको खुद भी एक दफ़ा रीड कर सकते हैं आगे ही एब्रीवेशन पूछी गई थी ए सी टी टी एफ एल ए सी टी एफ एल स्टैंड फॉर कॉमन यूरोपियन सॉरी अमेरिकन काउंसल फॉर द टीचिंग ऑफ फॉरन लैंग्वेज अमेरिकन काउंसल फॉर द टीचिंग ऑफ फॉरन लैंग्वेज और सी ई एफ कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क तो ये वाली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है आप इनको याद कर लीजिएगा ये पेज नंबर थर्टी सेवन पे है आगे जी क्वेश्चन था अबाउट बेसिक मॉडल ऑफ लर्निंग

आगे चलते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन है टेक्निक्स के बारे में टेक्निक्स फ़ॉर टीचिंग राइटिंग स्किल्स राइटिंग स्किल को टीच करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं तो वो टेक्निक्स हैं हमारे पास ब्रेन वर्ड मैपिंग एंड क्विक राइटिंग जस्ट आप थ्री टेक्निक्स लिख लिख लीजिएगा ब्रेन वर्ड मैपिंग क्विक राइटिंग ब्रेन वर्ड मैपिंग एंड क्विक राइटिंग आगे हमारे पास जी क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में तो ये पेज नंबर एटी वन पर अगर आप खुद डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं द टर्म टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर यूज इंटरचेंजेबली दूसरे की जगह पे भी ये टर्म यूज़ कर सकते हैं टीचिंग इंप्लाईज लेसन एंड ट्रेनिंग इंप्लॉइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये वाले एक्सकूज में भी आ सकता है टीचिंग इंप्लाइज लेसेंस एंड ट्रेनिंग इंप्लॉयज़ प्रोफेशनल डिवेलपमेंट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ टीचिंग इज एज इन स्कूल लेसेंस टू इम्पॉर्ट नॉलेज और स्किल्स इम्पॉर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टू काज लर्न बाई एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एम्प्लाइज प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू कच कस्टम टू अ मोड ऑफ बिहेवियर और टू मेक प्रोफिशेंट विद स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस तो बस इसका इतनी डिटेल लिखना काफ़ी होगी अगर ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब भी ये इनफ होगा आगे हमारे पास जी एक और क्वेश्चन था टास्क बेस्ड लर्निंग तो ये वाला उन्होंने एब्रीवेशन में दिया हुआ था टी बी एल टी बी एल के बारे में आप क्या जानते हैं टी बी एल के बारे में तीन लाइनें लिखी इस तरह से भी आ सकता है टास्क बेस्ड लर्निंग द टास्क बेस्ड अप्रोच एम्स एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर टू एक्सपेरिमेंट विद एंड एक्सप्लोर both spoken and written language through learning activities which are designed to engage learner and in an authentic practical and functional use of language for meaningful purposes learners are encouraged to activate and use whatever language they already have in process of completing a task the use of task will also give a clear and purposeful context for the teaching and learning of grammar and other language for features as well as skills task-based learning stimulus and natural desire in learning improve their language learning competence by challenging them to complete meaningful tasks a strong form of communicative language teaching focuses on how learning takes place and words and argues that language is learned via negotiation of meaning in real communication to ye wala ek aur bhi question aaya tha इसको आप टॉपिक को एक दफ़ा कम्प्लीटली रीड कर लीजिएगा वैसे जस्ट इसका इंट्रो लिखना ही काफ़ी होगा टास्क बेस्ड लर्निंग का आगे हमारे पास फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी एक टेक्निक होती है एक प्रैक्टिस होती है इसके बारे में क्वेश्चन आया था फ्लुएंसी एंड एक्योरेसी प्रैक्टिस इन इंडिविजुअल कोर्सिस आर लिमिटेड फॉर लर्नर हु वांट टू डेवलप ग्रुप इंटरेक्शन स्किल्स देयर आर लिमिटेड चांसेस ऑफ प्रैक्टिस यानी जो ग्रुप इंटरेक्शन स्किल्स डिवेलप करना चाहते हैं और लिमिटेड चांसेस होते हैं उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेक्शन कैन बी सिमुलेटेड बाई लिमिटेशन टू वर्ड कैन क्रिएटिवली बी डन बाई टू पीपल टू रिक्रिएट ग्रुप मीटिंग नेगोशिएशन स्किल्स एंड मीटिंग्स ये वैसे पेज नंबर एटी पे अगर आपने मज़ीद डिटेल से इसको रीड आउट करना है तो आगे हमारे पास है सप्लीमेंट्री मटेरियल्स मोस्ट टीचर्स टीचिंग कोर्स बुक्स नीड सप्लीमेंट्री मटेरियल टू सम एक्सटेंट इवन इफ दे हैव टू टेलर देम टू द नीड ऑफ पार्टिकुलर क्लास ऑफ आर रिचर ऑप्शन Beside course books, the teacher can use computers which have a huge potential in retrieving and sorting information. Using computer is motivating and attractive for students who however need to computer literate. The need of practice and availability remains a concern. As a teacher resource in making material computers are invaluable as research can be accessed. इसके अलावा यहाँ पे बुक्स के बारे में बताया गया कि बुक्स भी एज मटीरियल हम यूज़ कर सकते हैं ऑडियो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं तो इसको भी एक दफा कम्प्लीटली रीड आउट कर लीजिएगा वैसे ये पेज नंबर सिक्सटी टू पे है अगर आप इसको मजीद डिटेल से रीड करना चाहते हैं आगे हमारे पास है अबाउट काइंड ऑफ फीडबैक्स के बारे में काइंड ऑफ़ फीडबैक ऑन ट्रेनिज एबिलिटी टू परफॉर्म एट द टास्क टास्क फुलफिलमेंट एज एन इंडक्शन ऑफ अबिलिटी अच्छा यहाँ पे उन्होंने फीडबैक्स के ना पूछे हुए थे कंपोनेंट्स टू बी इफेक्टिव फीडबैक नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टिव बैलेंस ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल तो इसको आप बस ये लिख सकते हैं ये एक uh, यानी ये एक मेन जो वो है वो कंपोनेंट्स हैं फीडबैक के आगे ग्रेड के बारे में क्वेश्चन है A useful technique is to use a grid or framework uh, in making syllabus. A grid or framework sets out aims and objectives followed by all elements that we believe necessary for someone to be able. So, we will do the part. I think. Now, we will metacognitive strategies. As so, I will start with, metacognitive strategies, cognitive strategies, and effective strategies are know most important. टॉपिक्स हैं ये तीनों क्वेश्चंस में आ सकते हैं मेटाकोगेनेटिव स्ट्रेटजीज अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने जस्ट वो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजीज के की ना नेम लिखते हैं उनको इस तरह बुलेट्स लगा के प्लानिंग मोनीटरिंग एवलेटिंग ये थ्री स्ट्रेटजीज जो हैं ये मेटाकोगनेटिव है मेटाकनेटिव ऐसे वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें लर्नर अपनी अपने लिए खुद स्ट्रेटजीज डिजाइन कर रहा होता है अपनी वो जो उसकी अचीवमेंट्स होती हैं उनको खुद मोनीटर कर रहा होता है जैसे प्लानिंग में अपने लिए खुद प्लानिंग कर रहे होते हैं प्रीवियंग पेइंग अटेंशन मेन्स आइडियाज सीकिंग और मोनीटरिंग सेल्फ चेकिंग वंस कमशन एवोलेटिंग में आ जाता है डिवेलपिंग अबिली टू एविलेट ऑन टास्क कोगनेटिव स्टीज़ वो होती है जिनमें हमारे कोगनेटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो माइंड से रिलेटेड होती हैं जैसे समरइजिंग इंडक्शन इमेजनरी ऑडिटरी रिप्रजेंटेशन मेकिंग इन्फ्रेंसिस यूजिंग रिसोर्स ग्रुपिंग नोट टेकिंग ये सारी कोगनेटिव हैं और सोशल इफेक्टिव इफेक्टिव यानी कि जोशल जो सोशल uh, जो फैक्टर से जिसमें इन्वाल्व होते हैं और इफेक्टिव जो कि हमारी uh, आप कह सकते हैं इमोशन से रिलेटेड होती हैं कॉरपेटिंग क्लैरिफाइंग सेल्फ टॉक ये सारी सोशल इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं। आगे हमारे पास है डेलीगेशन डेलीगेशन टास्क इन्वॉल्व अप्रीप्रिएट कम्युनिकेशन टू डेलीगेट टास्क बाई एक्सप्लेनिंग टास्क लिसनिंग फॉर रिजर्वेशन कंसर्नस एंड फीडबैक गेटिंग देर एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट शेयरिंग फीडबैक ऑन डेलीगेटेड डेलीगेशन इज अ कंटिन्यूस एरिया सम मैनेजमेंट्स डोंट लाइक टू डेलीगेट देयर वर्क टू अदर थिंकिंग दैट इट वुड रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन देयर ओन स्किल्स तो ये वाले इसके बारे में यारिंग सब के ना डिफरेंट ख्याल हैं कुछ इसको अच्छा समझते हैं और कुछ को लगता है कि ये उनकी स्किल्स पर ना पुअरली इफेक्ट है, तो आप इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा ये उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स से इसके बारे में बताया हुआ तो ये पेज नंबर है थर्टी ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं अब स्टूडेंट्स जो हैं वो करंट पेपर तो एक्सेस कर लेते हैं लेकिन उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए और उनको याद करने के लिए टाइम नहीं होता तो इससे इस फाइल से इंशाल्लाह आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर इस फाइल से आपकी हेल्प होती है और आपको लगता है कि इस फाइल से आपके प्रिपरेशन में हेल्प हुई और आपको पेपर अच्छा हुआ तो आपने वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर करना है बाकी मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दो याद रखिएगा बेस्ट ऑफ़ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स अल्लाह हाफिज़